तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इको स्टडी। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने जा रहे हैं कुछ इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक बेसिक चीजों के बारे में जो आपके सीयूईटी के अंदर पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको डायरेक्टली लिखा हुआ तो नहीं है, बट यहाँ से क्योंकि ये बेसिक है दैट्स वाई आपको टेस्ट किए जाते हैं। पिछली बार दो क्वेश्चन आए थे, 11 स्टैट्स के क्वेश्चन, 11 12 में से आपका दो क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनोमेट्रिक्स से बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ही बात है, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन किसे कहते हैं? तो रिग्रेशन हम आपको पहले ही बता रखे हैं। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है? लीनियर लीनियर का मतलब वन टू वन रिलेशनशिप, मींस एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसके बीच का रिलेशनशिप हमको निकालना है। लाइक आपका एक्स कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमको वाई का वैल्यू फाइंड करना है। एक वेरिएबल हमें पता है तो दूसरे के वेरिएबल के वैल्यू को कैसे पता करें? हाउ टू फाइंड व्हेन वन वेरिएबल इज गिवेन एंड हाउ टू फाइंड द अदर वेरिएबल? तो ये हमारा कौन बताता है? लीनियर रिग्रेशन। मीन्स लाइक कंपनी का ये पता है कि मैं इतना, अगर कॉस्ट कोई कंपनी ओपन करना चाह रहा हूँ, इतना कॉस्ट हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए लगेगा, हमें खरीदने के लिए। अब उससे हमें पता करना है कि फ्यूचर में जाकर के हमारा सेल कितना होगा, वो तो हमें पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं बिक जाए, हमको पहले से आइडिया होना चाहिए कि हमारा इतना सेल होगा, तब हम स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ठीक है, कि हम किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। दैट मीन्स रिग्रेशन, एक वेरिएबल आपको पता है तो फ्यूचर को आपको एस्टिमेट करना है जो आपको पता है चीजें उससे। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या कहेंगे? इट इज अ स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर वेरिएबल, वन और मोर वेरिएबल वेरिएबल कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑल्सो नोन एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। गेटिंग? तो ये आपका क्या है? लीनियर रिग्रेशन ये क्या बताता है? दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप क्या है? एक वेरिएबल जहां पे डिपेंडेंट होगा वो हमारा गिवेन हो, एक हमारा इंडिपेंडेंट होगा जो कि गिवेन होगा, और उससे हमको पता करना है व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। गेटिंग? बात करते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो? व्हाई वी कैलकुलेट रिग्रेशन? सबसे पहला, हमें एक मीन वैल्यू निकालना होता है कि हमारा, लाइक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका दे रखा है एक्स एक्स, तो आपका व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मीन वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसे फॉरकास्ट करने के लिए हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो पहला ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। पहला क्या? टू एस्टिमेट द वैल्यू वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। राइट, कि क्या हम मीन वैल्यू निकालते हैं? मीन वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, वाई का हम वैल्यू एवरेज निकालते हैं गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये। व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन? सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हम फॉरकास्ट करते हैं। लाइक हमारा पता है कि इतना, हमें पता है कि एक्स आपका दिया हुआ है कि ये आपको इतना पॉपुलेशन दिया हुआ, इसके लिए आपको पता है एक्स का वैल्यू ये होगा।
हम इसके बियॉन्ड भी जाकर के हम पता करते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई गेटिंग, सिर्फ हम इतने पॉपुलेशन का भी नहीं, अगर हम फोरकास्ट बाहर भी करना चाहे, जितना हमारा पॉपुलेशन है उससे बाहर भी अगर फोरकास्ट हम चीजों को करना चाहे कि क्या होगा, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या है, टू फोरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बियॉन्ड द सिंपल रेंज। नेक्स्ट वन, टू फोरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवेन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ओके बियॉन्ड द सिंपल रेंज, सिंपल रेंज गॉट इट, कि ये फॉरकास्ट करता है वैल्यू को बियॉन्ड द सिंपल रेंज राइट, ये फॉरकास्ट, ये मीन वैल्यू। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हमारा बताता है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिपेंडेंसी, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करके ये बता करता है कि ये एक्स और वाई के बीच में जो आपस में रिलेशनशिप है वो कैसा है, गेटिंग माई पॉइंट। सो तीसरा आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस, अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस गेटिंग, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करके ये क्या नेचर है डिपेंडेंस का ये हमारा बता। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव किसका है, रिग्रेशन, गॉट इट एवरीबॉडी, गॉट इट यस और नो, जल्दी से यस सर, ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, व्हाट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन और फंक्शन, लाइन भी देखेंगे फंक्शन भी, ओके। तो पी आर एफ शॉर्टकट भी क्या हमारा पी आर एफ, तो देखिए पी आर एफ क्या है, मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख देता हूं उसके बाद मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। तो पी आर एफ इट इज द लोकस ऑफ कंडीशनल वैल्यू, कंडीशनल मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल गेटिंग, ये क्या है कंडीशनल मीन है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, जितना भी कंडीशनल मीन का लोकस है उसे अगर मिलाते हैं हम, जब हमारा कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स वैल्यू उसका दे रखा है, तो जो जो भी कंडीशनल मीन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का उसका अगर हम लोकस लेते हैं वो हमारा बताएगा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, और मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बताता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन गेटिंग। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवेन होगा, फिक्स वैल्यू होगा, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज फिक्स्ड, ठीक है, जिससे हमें पता करना है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो भी मीन वैल्यू होगा उसका क्या करेंगे हम, लोकस लेवल, वो हमारा क्या बताएगा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अच्छा, अच्छे तरीके से हम समझते हैं, इफ वर्टिकली एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज एक्सपेंडिचर, ये क्या है आपका, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, ये आपका वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनकम आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपका क्या है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, गट इट, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेंडिचर आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर, दैट्स वाई एक्सपेंडिचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इनकम आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, मींस ये गिवेन होगा, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उससे हमको पता करना है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अगर इनकम हमारा गिवेन है, लेट सपोज इनकम इज गिवेन एज एक्स वन, एक्स वन हमारा क्या है फिक्स, तो एक्स वन के ऊपर हमें पता चला इस इनकम के ऊपर एक इंसान इतना खर्च किया, दूसरा इंसान इतना खर्च कर रहा है और तीसरा इंसान इतना खर्च कर रहा है। सेम इनकम के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग खर्च करते हैं, राइट। तो एक्स वन अगर इनकम है तो अलग अलग लोग अलग अलग खर्च कर, राइट। उसी तरीके से अगर एक्स टू अगर इनकम है, सॉरी, अगर एक्स टू हमारा इनकम है तो अलग अलग लोग, पहला लोग इतना खर्च कर रहे हैं एक्स टू इनकम के ऊपर, दूसरा लोग, तीसरा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, ठीक है। तो ये एक्स टू के ऊपर खर्च पांच लोगों का हो रहा है और हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, इनकम हमारा क्या हुआ फिक्स हुआ, तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग खर्च किया जा रहा है, गॉट इट। उसी तरीके से अगर एक्स थ्री की बात करते हैं, अगर एक्स थ्री इनकम अगर हमारा फिक्स है, एक्स थ्री के ऊपर लोग अलग अलग लोग अलग अलग खर्च करेंगे, राइट। उसी तरीके से कोई एक्स फोर इनकम के ऊपर, एक्स फाइव इनकम के ऊपर, एक्स सिक्स इनकम के ऊपर, गॉट इट। स्क्रीन फ्रीजेस, गिव मी अ सेकेंड गाइस। एम आई ऑडिबल? यस सर, ओके, तो यहां पे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इनकम है जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक्सपेंडिचर आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकम के ऊपर आपका डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर। ओके, सो क्या आपका डेफिनेशन बोला है, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फिक्स है तो डिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए किसी इंसान को इतना खर्च कर सकता है, दूसरा इंसान को इतना खर्च कर सकता है, तीसरा इंसान को इतना खर्च कर सकता है, राइट। फिर से अगर एक्स टू लेवल का इनकम अगर गिवेन है तो हर इंसान का एक्सपेंडिचर वाइज जो है डिपेंड करता है वो अलग अलग हो सकता है सेम इनकम के ऊपर, वो इसी एक्स थ्री के ऊपर, एक्स फोर के ऊपर। इसी का अगर हम मीन वैल्यू ले, मीन वैल्यू का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब यहाँ पे तीन है तो तीन का एवरेज क्या होगा, मीन्स ये सेकेंड वाला, यहाँ पे अगर फाइव है तो फाइव का एवरेज क्या होगा थर्ड वाला, सेवन है तो सेवन का एवरेज क्या होगा फोर्थ वाला। गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर तीन है तो तीन का एवरेज अगर हम निकाले तो थ्री बाई टू, अगर इसके बीच वाला दो तीन है, वन टू थ्री, एवरेज का मतलब बीच वाला। ओके, हमें बीच वाला एवरेज हमें चाहिए, और ये मीन वैल्यू को अगर हम ज्वाइन करते हैं, सारे को अगर ज्वाइन कर देते हैं, जो कंडीशनल मीन वैल्यू है, ये हमारा क्या बताएगा, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। यहाँ पे लाइन है तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस और नो गाइस? इनकम इज फिक्स्ड, सेम इनकम के ऊपर अलग अलग एक्सपेंडिचर है, हम सारे का मीन वैल्यू लेकर के एक लाइन को हम जो ज्वाइन करेंगे, जो आपका मीन वैल्यू बता रहा है, तो वो हमारा क्या बताता है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बताता है। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? यस सर, यस, इस पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवेन एक्स वन इनकम, कि हमारा वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है ना, या मीन वैल्यू है जब हमारा एक्स वन इनकम है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर वाई को अगर हम एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब आपका एक्स टू गिवेन है तो, ठीक है। उसी तरीके से इस पॉइंट को कहेंगे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
एक्सपेंडिचर वेन X3 इज गिवेन, X3 लेवल ऑफ इनकम इज गिवेन, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वन, अब देखिए ये एक लाइन है तो इस लाइन को हम क्या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी एक लाइन है तो लाइन के लिए हम इक्वेशन एक लिखते हैं, और ये लाइन क्या है लीनियर है, क्या है लीनियर है, लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग ये लाइन है। तो लीनियर कर्व के लिए जो आप पढ़े होंगे फार्मूला क्लास 9 10th में, वो क्या था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसी भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता था जहां पर एम क्या है आपका स्लोप है और सी क्या है आपका इंटरसेप्ट। सो ये फॉर्मूला आपने किसी भी लाइन की का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट उसी तरीके से यहां पे अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पे इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा बीटा वन, इंटरसेप्ट को हम बीटा वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, स्लोप यहां पे क्या होगा बीटा टू, बीटा टू। एक से यहां पर क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या है इनकम है, उसे रिप्रेजेंट हम एक्स आई से कर, इनकम को रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं एक्स आई, और इज इक्वल टू ये हमारा क्या बन जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर गिवेन द वैल्यू ऑफ इनकम लेवल, गॉट इट। तो ये हमारा क्या बन गया है फॉर्मूला बन गया जो कि लाइन का ये फंक्शन, एंड दैट इज नोन एज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। बीटा वन क्या बता रहा है स्लोप, बीटा टू क्या, बीटा वन क्या बता रहा है आपका इंटरसेप्ट, और बीटा टू आपका क्या बता रहा है स्लोप बता रहा है, ओके उसी तरीके से अगर पारा बोला रहता, लेट सपोज पारा बोला, हम बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन का, तो लीनियर के लिए ये इक्वेशन, पारा बोला रहता तो इंटरसेप्ट के लिए बीटा वन बीटा टू एक्स आई, पारा बोला में क्या होता है आपका एक्स आई का स्क्वायर, राइट। पाराबोला आपका कब बनता है जब आपका क्या हो ऑर्डर आपका टू का हो, राइट आपका पावर क्या हो जब टू हो, क्वाड्रेटिक हो तब हमारा पाराबोला बनता है, राइट। और क्वाड्रेटिक हमारा कब होगा जब एक साई का पावर टू हो, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका पाराबोला का पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है पाराबोला, ठीक है। यहां पर पावर कितना है वन है एक साई के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर, इट इज अ लीनियर, ओके गाइस। सो दिस वन, नेक्स्ट वन, व्हाट इज बीटा वन एंड बीटा टू, तो बीटा वन एंड बीटा टू आर कॉल्ड एज रिग्रेशन कोफिशियंट, आर कॉल्ड एज रिग्रेशन कोफिशियंट, ओके। बीटा वन बीटा टू क्या है रिग्रेशन कोफिशियंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसका जो आपका ई वाई आई एक्सपेंडिचर गिवन द लेवल ऑफ इनकम का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ई एक्स आई के साथ, ओके सो दिस इज योर पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन फॉर लीनियर एंड फॉर पाराबोला।
बीटा वन एंड बीटा टू आर नोन एज अ रिग्रेशन कोफिशियंट. ओके, एंड जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, एक्स आई के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करें जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, ठीक है, तो हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, राइट. इसे अगर डिफरेंशिएट एक्स आई के साथ करेंगे तो डिफरेंशिएशन बीटा वन का जीरो, एक्स आई का डिफरेंशिएशन एक्स आई के साथ वन. सो बीटा टू इज हमारा क्या, आवर स्लोप. बीटा टू हमारा क्या बताएगा, स्लोप. ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप. ओके, सो अगर ये बता रहा है कि अगर वन यूनिट अगर हम एक साई को इंक्रीज करें वन यूनिट अगर हम एक साई को इंक्रीज करें तो हमारा ई वाई आई बाई एक साई हमारा कितना यूनिट से इंक्रीज होगा, तो वो बीटा टू यूनिट से इंक्रीज होगा, मतलब स्लोप. तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, बस अगर डिफरेंशिएशन हम करें बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई का, तो एक्स आई के साथ, तो बीटा वन का डिफरेंशिएशन जीरो, बीटा टू इंटू एक्स आई का डिफरेंशिएशन वन, तो बीटा टू हमारा क्या आएगा, स्लोप. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम ऐड करेंगे कि इफ एक्स आई अगर हमारा जीरो, एक्स आई का वैल्यू हमारा क्या हो, जीरो. I don't know why this thing. तो इफ एक साई का वैल्यू अगर हमारा जीरो है, सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस, अब से नहीं होगा, ये हमारा आशा है. इफ एक्स आई का वैल्यू हमारा जीरो है तो वी नो ई वाई आई बाई एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, राइट. दिस इज योर पी आर एफ फंक्शन. ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पुट करते हैं एक्स आई का वैल्यू जीरो, अगर हम एक्स आई का वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ बीटा वन. इफ एक्स आई इज जीरो देन बीटा वन इज द वैल्यू. गेटिंग नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि एवरेज वैल्यू हमारा क्या होगा वाई का, बीटा वन होगा. बीटा वन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई, एवरेज. ठीक है, तो आपको याद अभी क्या रखना है, आपको याद रखना है पी आर एफ किसे कहते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या होता है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या हो, और ये सब आपका एडिशनल पॉइंट है कि आपका स्लोप क्या होगा, बीटा टू होगा, और आपका एक साई का वैल्यू जीरो है तो अब आपका क्या होगा, तो बीटा वन सिर्फ बचेगा, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्टोकैस्टिक रिप्रेजेंटेशन. स्टोकैस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. स्टोकैस्टिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमने मीन वैल्यू लिया, हम यहां पर क्या बात किए, पीआरएफ हमारा क्या बताता है, मीन वैल्यू, बट हमें अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोकैस्टिक रिप्रेजेंटेशन करें, अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पता करना है तब. ठीक है, तो एज एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मली अगर बात करते हैं, आपने आप फ्यूचर का एक तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपका एवरेज क्या होगा फ्यूचर के अंदर, एवरेज सेल कितना होगा, और ये भी आपको अगर बात पता करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल सेल, तो एक्चुअल सेल में क्या होगा, आपका जो एवरेज होगा मींस जो मीन वैल्यू होगा उसी में आपका कुछ प्लस माइनस अदर थिंग होगा, अदर वेरिएबल कुछ प्लस माइनस करेंगे जो कि इरर टर्म होगा या रैंडम कंपोनेंट होगा, रैंडम कंपोनेंट, उसे हम क्या करेंगे प्लस माइनस कर, तब हमारा क्या निकल के आएगा, एक्चुअल वैल्यू. कि आपको मीन आपको लाइक आपका एक्चुअल वैल्यू आपको पता करना है कि फ्यूचर में क्या होगा, मीन वैल्यू आपको पता है कि 10,000 है, रैंडम कंपोनेंट भी होगा जो आपको पता नहीं, वो तो सिचुएशन के अनुसार से डिपेंड करता है क्या उस टाइम पे क्या इकोनॉमिक का कंडीशन होगा, कोविड होगा या नॉर्मल फेज होगा या डिप्रेशन होगा या फिर स्लो डाउन होगा बूम होगा, तो वो उस टाइम के इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा से, तो ये रैंडम कंपोनेंट के अंदर हम ऐड करेंगे फिर हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगा. Getting my point?
तो इसीलिए अगर फार्मूला की बात करें, व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल वैल्यू अगर हमें एक्सपेंडिचर का पता करना है, व्हाट इज द वाई आई, ठीक है, तो आई पीरियड के अंदर हमारा वाई का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए मीन वैल्यू हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। मीन वैल्यू हम क्या पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से कंडीशनल मीन हम ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है, ई आई गिवन द वैल्यू ऑफ इनकम। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारा जो रैंडम कंपोनेंट होगा उसे हम म्यू आई से रिप्रेजेंट करना है। किससे? म्यू आई से आपको रिप्रेजेंट करना, दैट इज द रैंडम कंपोनेंट। डायरेक्ट आपसे इस बार क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, कि व्हाट इज म्यू आई, डायरेक्ट आपसे पूछे थे यहाँ पे म्यू आई है क्या, ठीक है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन आता है। अब अगर ये आपका स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्चुअल वैल्यू के लिए, मीन वैल्यू में हमें रैंडम कंपोनेंट को प्लस करना, ओके, रैंडम कंपोनेंट इसे कह सकते हैं, इसे एरर टर्म कह सकते हैं, एरर टर्म, और इसे कह सकते हैं डिस्टर्बेंस टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, ओके। अब बताइए, आपने ऊपर अभी पढ़ा था फ्रॉम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, यू नो व्हाट ई गिवन द लेवल ऑफ एक्स आई, हमारा क्या आता है फॉर्मूला बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई। अब यहां पे हम इसे पुट कर सकते हैं, राइट, हम क्या करते हैं, बस पुट करते हैं पी आर एफ को, के फॉर्मूला को, बीटा वन बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई, दैट इज इरर टर्म। तो ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। आप देखेंगे इस बार के प्रीवियस ईयर ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, बोला है व्हाट इज म्यू आई, म्यू आई है क्या, तो म्यू आई आपका एरर टर्म है, बीटा वन और बीटा टू आपका क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, एक्स आई आपका क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और वाई आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। गेटिंग, सारे का मैं नामकरण कर दे रहा हूं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका एरर टर्म, ये आपका एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा वन एंड बीटा टू इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, सो गॉट इट एवरीवन, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए, एनी प्रॉब्लम, एनीबडी, एनीबडी, नो सर, ओके, सो नेक्स्ट हमने एक्चुअल वैल्यू पता किया है, दैट इज एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर गिवन द लेवल ऑफ इनकम प्लस म्यू आई, राइट, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लेते हैं। तो हमारा क्या निकल के आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन द लेवल ऑफ इनकम, एक्स आई आपका इनकम था, वाई आई आपका एक्सपेंडिचर था, प्लस म्यू आई, दोनों साइड हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ली, ओके। नेक्स्ट वो अगर हम एक्सपेक्टेशन वाई आई देखें, ये एक आपका प्रॉपर्टीज होता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन अगर एक्सपेक्टेशन काम करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन ही होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी, गेटिंग, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे दो एक्सपेक्टेशन है तो आपका एक्सपेक्टेशन ही होगा, ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बाई एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई, गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस इज ओके। अब देखिए यहां पे अगर हम ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन द लेवल ऑफ एक्स आई, अब यहां पे देख सकते हो यहां पर भी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन द लेवल ऑफ एक्स आई, यहां पर भी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन द लेवल ऑफ एक्स आई, सो वी कैन से व्हाट
एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इज इक्वल टू जीरो, राइट। हमने क्या किया, सिर्फ दोनों साइड एक्सपेक्टेशन लेकर के हमने कैंसिल आउट कर दिया, एंड ये हम क्या बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म इज जीरो। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म, मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज जीरो इफ द लाइन इज पासिस थ्रू, लाइन इज पासिस थ्रू कंडीशनल मीन। अभी मैं समझा देता हूं आपको कंडीशनल मीन ऑफ वाई एंड वाइस वर्स, वाइस वर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई लाइन पास कर रहा है कंडीशनल मीन से, कंडीशनल मीन का मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और कोई लाइन हमने बनाया है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पास ये हो रहा है कंडीशनल मीन से, और कंडीशनल मीन से पास हो रहा है तो एरर क्या होगा, क्योंकि जो हमारा एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू है वही हमारा एक्चुअल वैल्यू है। इसका मतलब एरर, इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, दैट्स व्हाई एरर का एवरेज क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। यही आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई लाइन कंडीशनल मीन के थ्रू पास करेगा तो जो एरर टर्म का है एवरेज होगा। एरर का मतलब क्या है, ये मैंने एवरेज लाइन बनाया है फ्यूचर के लिए और पता चला ये लाइन जो है थोड़ा सा वैल्यू जो है वो इधर है, राइट, ये इधर है, तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा क्या है, एरर है आपका। गेटिंग माई पॉइंट, आपका क्या है, एरर है। तो ये आपका लाइक यही पॉइंट था, तो आपका इस पॉइंट पे ये आपका क्या है, एरर रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू, बट क्योंकि लाइन कंडीशनल मीन के थ्रू ही पास हो रहा है तो सारा पॉइंट क्या है, कंडीशनल मीन के ऊपर है और वहां पर एरर कुछ नहीं होगा, जीरो होगा और जीरो का एवरेज जीरो होगा। यही बात आपका यहां पर किया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, कि मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज जीरो, कब, जब लाइन पास करेगा कंडीशनल मीन के थ्रू तो, या अगर कंडीशनल मीन के थ्रू कोई लाइन पास कर रहा है तो मीन वैल्यू जीरो होगा। गेटिंग, सो दोनों बात है कि इफ, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इफ रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू कंडीशनल मीन, कंडीशनल मीन के थ्रू अगर ये पास कर रहा है देन एरर टर्म इज जीरो, मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज जीरो, या जब मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म जीरो है तो जरूर लाइन कंडीशनल मीन के थ्रू पास कर रहा हो, तो वाइस वर्सा दो। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट, यस ऑर नो, यस, किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी से बताइए। Any doubt? Any doubt, anyone? No. Now we have to learn simple regression function. What is simple regression function? Population regression function आपने देख लिया, population regression line किसे कहते हैं वो देख लिया, जो भी equation है वो देख लिया, और अदर अदर चीज लाइक आपका एरर टर्म क्या होता है, एरर टर्म आपका अगर जीरो है उसका मीन वैल्यू तो आपका रिग्रेशन लाइन कहां से पास करेगा, तो ये सारा चीज आपने देखी। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सैंपल रिग्रेशन लाइन, क्योंकि देखिए हम कोई भी लाइक इंडिया का अगर पॉपुलेशन है तो हम पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं करते, इंडिया का पॉपुलेशन लेट सपोज 1.4 140 करोड़, 1.4 बिलियन, राइट। अगर 140 करोड़ अगर इंडिया का पॉपुलेशन है तो हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, हम इस पॉपुलेशन से कुछ सैंपल डिराइव करेंगे। ओके, और सैंपल का साइज हमेशा क्या होता, हमेशा सैंपल का साइज जो है वो 10% से कम होना चाहिए, तब वो सैंपल अच्छा है, उससे अगर ज्यादा है तो सैंपल वो खराब है, ठीक है। तो 10% से आपका सैंपल का साइज कम होना चाहिए, और ज्यादातर स्टडी जो होता है वो 10,000 लोगों के ऊपर, 0.001% के ऊपर या 0.0012% के ऊपर ऐसा स्टडी होता है। सैंपल के ऊपर हम अगर स्टडी करें तो वहां पर हमारा क्या होगा, सैंपल रिग्रेशन लाइन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन।
पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करें तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे अगर हम ड्रॉ करें जिस तरीके से वहां पे हमने ड्रॉ किया था लाइन को, अगर हम ड्रॉ करना चाहे हाउ टू ड्रॉ सिंपल रिग्रेशन लाइन, सो ये एक्सिस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंडिचर को, दैट इज डिपेंडेंट। ओके ओके, सो अगर इनकम हमारा एक्स वन है तो हमारा वाई वन का लेवल कितना है ये हम देखेंगे कि वो व्हाट इज द लेवल ऑफ वाई वन। अगर हमारा इनकम एक्स टू है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई टू। ओके मीन्स वाई का अगर एक्स टू इनकम के ऊपर लोग कितना खर्च कर रहे हैं, अगर एक्स थ्री इनकम है तो लोगों का कितना खर्च है ये हम देखेंगे, राइट। अगर एक्स फोर इनकम है तो हमारा कितना खर्च है ये हम देखेंगे, अगर एक्स फाइव हमारा इनकम है तो हमारा कितना खर्च है ये हम देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से वहां पर पूरा पॉपुलेशन था, दैट्स वाई डेटा ज्यादा था, ठीक है, उसका मैंने मीन वैल्यू लिया। अब ये हमने देख लिया कि अलग अलग, अगर आपका अलग अलग इनकम के ऊपर जब हम इनकम को फिक्स कर दिए तो आपका एक्सपेंडिचर क्या है ये हम देख लिए, और हमने ये पॉइंट को ड्रॉ कर लिया कि ये एक्सपेंडिचर होगा आने वाले टाइम में, और इसमें में से जो जो भी लाइन बेस्ट फिट होगा, बेस्ट फिट का मतलब जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा सारे वेरिएबल का, लाइक मैंने यहाँ पे कोई लाइन आपका ऐसा मैंने बना दिया तो ये बेस्ट फिट है, नहीं है, वाई बिकॉज सारे लाइन से देख सकते हो कितना ये दूरी पे है, तो सारे लाइन से ये मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हो ऐसा मेरे को लाइन ड्रॉ करना है, और वैसे लाइन को हम कहेंगे बेस्ट फिट लाइन, गेटिंग माई पॉइंट, कि वो उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए सारे लाइन से मिनिमम होना चाहिए ज्यादातर। तो अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस पे है तो कुछ ऐसा कोई लाइन हो सकता है, राइट, कोई ऐसा आपका लाइन हो सकता है जो कि बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब यहाँ से इसका सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस है, इसका देख सकते हैं छोटा सा इरर है, यहाँ पर भी छोटा सा इरर, गेटिंग। तो अगर हम बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं एंड दिस ग्रेट बेस्ट फिट लाइन इज नोन एज सिंपल रिग्रेशन लाइन, गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, गेटिंग माई पॉइंट। यस सो बेस्ट फिट लाइन जो हमने ड्रॉ किया है दैट इज नोन एज सिंपल रिग्रेशन लाइन, गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज बेस्ट फिटेड ऑन द गिवन डेटा, दैट इज नोन एज सिंपल रिग्रेशन लाइन, गॉट इट। तो इसे कहते हैं सिंपल रिग्रेशन लाइन। सो अब फिर से यहाँ पे एक लाइन है तो लाइन का जरूर मैथमेटिकली कुछ इक्वेशन होगा और वो मैथमेटिकली इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वही सेम डेफिनेशन आपको सिंपल रिग्रेशन लाइन को लिख देना, इट शोज द एस्टिमेटेड रिलेशनशिप, एस्टिमेटेड रिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी, मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में शो करूंगा जो आ रखा है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये शो करता है वर्ड, ये एस्टिमेट करता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके एक्सप्लेनेटरी और इंडिपेंडेंट नहीं, यहाँ डिपेंडेंट होगा, राइट, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बीच का क्या आपका एस्टिमेटेड रिलेशनशिप। ओके अब फिर से यहाँ पे मैथमेटिकली लाइन है तो जरूर मैथमेटिकली कुछ होगा, जैसे वहां पर था बीटा वन प्लस बीटा टू एक एक्स आई प्लस म्यू आई, वैसे ही यहाँ पे कुछ होगा। तो मैथमेटिकली इक्वेशन की अगर बात करते हैं इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वाई आई हैट्स, किससे, वाई आई हैट इज इक्वल टू, जैसे स्लोप वहां पर था बीटा वन, यहाँ पर क्या होगा बी वन प्लस बी टू एक्स आई, राइट। सो दिस इज योर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, व्हाट, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ओके ये हमारा क्या है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन।
फंक्शन वाई आई हैट इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स आई। ओके, हमने क्या पता किया था वहां पर, अगर आप वहां पर देखेंगे तो मीन वैल्यू ऑफ एक्स आई गिवन द मीन वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन फंक्शन आपने क्या लिखा था, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स, राइट। सो यहां पर हम क्या 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 कह सकते हैं, ये टर्म समझ, यहां पर हम कहेंगे कि ये जो बीटा वन है ये इस्टिमेटर किसका है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं बीटा वन। तो बी वन इज अ इस्टिमेटर ऑफ बीटा वन एंड बी टू इज एन इस्टिमेटर ऑफ बीटा टू एंड वाई आई हैट इज अ इस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्ट मीन वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि बीटा वन जो है या बी वन जो है इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। ये डेफिनेशन में देख सकते हो, ये एस्टिमेटेड रिलेशनशिप, ठीक है, एस्टिमेटेड रिलेशनशिप। तो बी वन किसका एस्टिमेटर है, बीटा वन का। बी टू किसका एस्टिमेटर है, बीटा टू का। इज एन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन लिखेंगे क्या बी वन जो है वो एस्टिमेटर है बीटा वन का, डायरेक्ट ऐसा आपको लिख देंगे, ठीक है। और बीटा टू नेक्स्ट वन वाई आई हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू ऑफ वाई आई बाई एक्स आई। गॉट इट। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर जो बीटा वन था उसको हम एस्टिमेट बी वन के थ्रू कर सकते हैं, सैंपल लिए हैं उसमें बी वन बीटा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है। बीटा बी टू के थ्रू हम ये पॉपुलेशन रिग्रेशन के अंदर जो स्लोप बीटा टू था उसे एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीन पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर। ओके एवरीवन, आर यू गेटिंग, यस और नो? यस सर। एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, यस और नो? यस सर। आर यू गेटिंग? कृष्णा, राज? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज द स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल रिग्रेशन फंक्शन? स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू हमें पता कर, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि हमें ये क्या बताता है, एक तरीके से मीन वैल्यू बताता है हमें, ये पॉइंट का वैल्यू पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू, ये तो एवरेज वैल्यू हमारा बता रहा है, ये लाइन एवरेज हमारा बता रहा है। अगर हमको ये पॉइंट का वैल्यू जानना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारा कुछ इरर टर्म ऐड हो जाएगा बस। तो जो आपका वाई आई एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू प्लस इरर टर्म, राइट। मैं आपको फिर से लिख देता हूं, एक्चुअल वैल्यू हमें पता करना है, जैसे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में कर रहे थे वैसे ही यहां पर भी, व्हाट इज द मीन वैल्यू प्लस इरर टर्म। अगर एक्चुअल वैल्यू की हम बात करते हैं, क्या हमारा वाई आई, मीन वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला है वाई आई हैट, सिंपल रिग्रेशन फंक्शन में वाई आई हैट, इरर टर्म यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ई आई, क्या ई आई इज द रेसिड्यूअल टर्म और इरर टर्म। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन, गॉट इट। जहां पर ये ई आई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिड्यूअल टर्म को रिप्रेजेंट कर, किसको, रेसिड्यूअल टर्म्स। ओके, सो दिस इज स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल रिग्रेशन फंक्शन। ओके गाइस, गिव मी अ सेकेंड, समवन कॉलिंग, लेट चेक, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। यस सर। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एंड सिंपल रिग्रेशन फंक्शन, ये दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देख,
हमने पढ़ लिया है, अब हम बस डिफरेंस देखें। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई आई बाई एक्स आई, ओके, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, राइट। यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई आई हैट इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स, ओके। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को अगर हम रेसिडुअल टर्म्स के अंदर बात करें या एस्टोकैस्टिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ई आई बाई एक्स आई प्लस म्यू आई इज इरर टर्म, ओके। इसे अगर पुट कर दे तो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई, राइट, दिस इज एस्टोकैस्टिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एस्टोकैस्टिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस ई आई, ई आई यहाँ पे क्या है, रेसिड्यूअल टर्म्स है, राइट, इरर टर्म नहीं है। तो वाई आई की अगर बात करते हैं तो वाई आई हैट का वैल्यू क्या है, बी वन प्लस बी टू एक्स आई प्लस ई आई, ओके। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन फंक्शन एंड रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन फंक्शन। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समझ सभी को आना चाहिए, दैट इज आवर मोटिव। एनी प्रॉब्लम? तो नो सर। ओके, नेक्स्ट वन। अब देखिए, हमें अगर सिंपल रिग्रेशन फंक्शन जानना है, हमें अगर सिंपल रिग्रेशन फंक्शन को जानना है, तो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन जानने के लिए हमको पता क्या होना चाहिए, बी वन क्या है और बी टू क्या है, तब हम जा करके पता कर सकते हैं सिंपल रिग्रेशन फंक्शन। जब हमें बी वन और बी टू पता होगा तब, और यही बी वन और बी टी को पता करने के लिए हमारा क्या, हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ने कुछ कहा कि हाउ टू फाइंड बी वन एंड बी टू, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या कहा गया है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा? तो इनके द्वारा इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था टू ड्रॉ सैंपल रिग्रेशन लाइन। टू हमें अगर सैंपल रिग्रेशन ड्रॉ करना है, देन वी नीड बी वन एंड बी टू। बी वन इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन एंड बी टू इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू, ओके। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने कहा कि हम बी वन और बी टू को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। क्या इनका कहना था? इनका कहना था, इट स्टेट दैट वी सेलेक्ट बी वन एंड बी टू इन सच अ वे देन, जहां पर आपका समेशन ई आई का स्क्वायर, रेसिडुअल टर्म्स का स्क्वायर इज मिनिमम या मिनिमाइज्ड, मिनिमम। गेटिंग माई पॉइंट? इनके द्वारा कहा गया, इट स्टेट्स दैट, मैं आपका लिख देता हूं यहां पे, इट स्टेट्स दैट बी वन एंड बी टू इज सेलेक्टेड इन सच अ वे सच दैट समेशन ई आई स्क्वायर इज मिनिमाइज्ड, ओके, ओके एवरीबॉडी, यस ओके गाइस, यस सर। सो दिस इज। अब देखिए, यहाँ पे इनके द्वारा दो इक्वेशन दिया गया है। आपको इक्वेशन कैसे डिराइव होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपको एग्जाम में काम नहीं करना है, ठीक है। दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन कहता है कि समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू एन बी वन प्लस बी टू समेशन ऑफ एक्स आई, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन कि समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन बी वन प्लस बी टू समेशन एक्स आई, ओके। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको क्या कहता है? सेकेंड इक्वेशन कहता है एक्स आई वाई आई, कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई आई का समेशन इज इक्वल टू बी वन समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई प्लस बी टू समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम में ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ओके, क्योंकि आपका बेसिक ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। सेट,
सो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके सो पहला इक्वेशन, दो इक्वेशन है। पहला कहता है समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू एन बी वन प्लस बी टू समेशन एक्स आई। दूसरा कहता है समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बी वन समेशन एक्स आई प्लस बी टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर। और ये दोनों इक्वेशन को क्या कहा जाता है? नॉर्मल इक्वेशन। क्या कहा जाता है? नॉर्मल इक्वेशन। दिस टू इक्वेशन इज नोन एज नॉर्मल इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम बी वन बी टू का वैल्यू पता करेंगे, ठीक है? और बी वन बाई बी टू के वैल्यू पता करके हम सिंपल रिग्रेशन फंक्शन का वैल्यू पता करेंगे, और उससे हम सिंपल रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन अगर हमें पता है तो हम क्या पता करेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वन एंड बी टू। बी वन बी टू अगर हमें पता चला गया तो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन पता चल जाएगा। बी वन बी टू को पुट करके फंक्शन अगर पता चल गया तो हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज सिंपल रिग्रेशन लाइन। गॉट इट? एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कराने की बात तो एग्जाम में जरूरत नहीं आएगा, ऐसा मोस्ट प्रोबेबल यही केस है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। एक्स वाई का वैल्यू गिवेन है, क्वेश्चन है आपका। एक्स का वैल्यू गिवेन है 1 2 3, वाई का वैल्यू गिवेन है 1 3 8। आपको बता करना है व्हाट इज द हमें पता करना है व्हाट इज सिंपल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है? हमें सिंपल रिग्रेशन फंक्शन को पता करना है। किस तरीके से पता करेंगे? एक्स का वैल्यू गिवेन है, वाई का वैल्यू गिवेन है, तो हम समेशन एक्स का निकाल लेते, कितना हो जाएगा? 6। समेशन वाई सारे को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12, राइट? और हमें क्या क्या चाहिए? हमेशा हमें चाहिए व्हाट इज एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई की अगर बात करते हैं 1 6 24, ठीक है? इसका समेशन अगर एक्स वाई काम करते हैं कितना आ जाएगा? 31। कितना? 31। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का अगर हम निकालते हैं क्या होगा? एक्स का स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। समेशन एक्स स्क्वायर का हमारा कितना आ जाएगा? 14। वाई स्क्वायर का अगर हम निकालें तो वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 1 9 और 64। इसे अगर कैलकुलेट करते हैं ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 74, राइट? सो ये हो गया। अब हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। व्हाट इज आवर नॉर्मल इक्वेशन? नॉर्मल इक्वेशन हमारा क्या? सो नॉर्मल इक्वेशन हमारा क्या, पहला क्या कहता था? पहला नॉर्मल इक्वेशन हमारा कहता था समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू एन बी वन प्लस बी टू समेशन एक्स आई। समेशन वाई आई यहाँ पे कितना है? 12। 12 पुट करें, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3। 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 3 बी वन। बी टू समेशन एक्स आई का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 बी टू, राइट? सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन टू हम कहां से डिराइव करेंगे? इक्वेशन टू का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी वन समेशन एक्स आई प्लस बी टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब यहाँ पर एक अगर समेशन एक्स वाई देखे कितना है? 31 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई 6 बी वन प्लस एक्स आई का स्क्वायर का समेशन 14 है, 14 बी टू। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट? सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा दो इक्वेशन आ गया। हम ये दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? ये देख सकते हो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे क्लास 9 10 के अंदर। एक्स और वाई था, दोनों को एक के वैल्यू को हटा देते थे, वाई को कैंसिल आउट करके एक्स का वैल्यू फाइंड करके फिर एक्स के वैल्यू को पुट करना है किसी भी इक्वेशन के अंदर। वही काम करके हम बी वन और बी टू के वैल्यू को पता करें, ठीक है? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है? तो बी वन और बी टू को पता करने के बाद हमें अगर फंक्शन पता करना है, व्हाट इज सिंपल रिग्रेशन फंक्शन, तो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के लिए क्या था? वाई आई हैट इज इक्वल टू बी वन बी टू एक्स आई। अब बी वन बी टू को अगर आप पता कर देंगे इजिली, तो वहां पर आपका वाई आई हैट इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, वो आपका क्या आएगा? फंक्शन आएगा। और फंक्शन आपको पता है तो आप लाइन बना सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बट हमें नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेंगे। मैं समझाने के लिए आपको ये चीज को एक्सप्लेन कर दिया हूं, बस। Got it, guys? यस सर।
किसी को कोई दिक्कत, गला सिकवा तो जल्दी से पूछिए। एनीवन, एनी सिंगल पर्सन, जिन्हें कोई भी खेद है हमारी बातों से। बताइए। नो ओके, ना। सो नेक्स्ट वन, वी हैव टू फाइंड अबाउट, इसी क्वेश्चन को अगर और आगे बढ़ाएं, लाइक वाई आई इज इक्वल टू, पहला हमारा क्या था, एन बी वन प्लस बी टू समेशन एक्स आई, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम एन से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एन। एन से करेंगे तो बी वन प्लस बी टू बाई बी टू समेशन एक्स आई बाई एन। दोनों साइड हमने एन से क्या किया, डिवाइड किया। एन से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, वाई बार, क्योंकि हम क्या जानते हैं, वाई बार का मतलब मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ये वाई बार, बार हमारा मीन रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन मीन वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, ये भी क्या है, मीन वैल्यू ऑफ किसका, एक्स का, तो एक्स बार। अगर हम बी वन पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वन, तो बी वन हमारा क्या होगा, हमें बी टू एक्स बार को उधर भेज देना है, तो वाई बार माइनस बी टू एक्स बार, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी वन का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी वन, एंड वी नो बी वन इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, बीटा। ओके, इस तरीके से हम बी वन के वैल्यू को पता करें, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी टू, बी टू को वैल्यू को कैसे फाइंड करें। तो बी टू के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई बाई स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो मैंने रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर ये फॉर्मूला आपको बता रखा हूं, बता रखा हूं मैं ये फॉर्मूला, कि रिग्रेशन कॉफिशियंट को हम एक फॉर्मूला इस तरीके से पता करें, जहां पर एक साई आपका क्या बता रहा है, डेविएशन, एक साई रिप्रेजेंट डेविएशन फ्रॉम मीन, एक साई इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, वाई आई इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, गेटिंग। तो ये आपका फॉर्मूला है, बी टू इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई बाई समेशन एक्स आई का स्क्वायर। देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं आपको स्टार मार्क्स कर दूंगा, वो चीजें आपको याद कर, जो चीजें आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगा वहां पर ज्यादा मैं स्टार मार्क्स आपको नहीं करूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला सर, का ये यूज, हाँ बोलिए। जो ये बी टू इज इक्वल टू सिग्मा, ये स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई है। हाँ जी, स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स आई का मतलब है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, कि एक्स बार से कितना दूर पे है एक्स आई, उसका डिफरेंस बता। ओके, सो दिस इज, इस फॉर्मूला का यूज तभी आएगा जब टेबल के अंदर एक्स का वैल्यू देगा, वाई का वैल्यू देगा, टेबल बनाएगा, फिर आप मीन निकालेंगे, फिर वाई एक्स बार निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे, टाइम टेकिंग फॉर्मूला का यूज नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, यस सर, ओके, नेक्स्ट वन, एक रिमार्क है कि एक्स आई माइनस एक्स बार डेविएशन अगर हम लेते हैं एक्स आई का और वाई आई का, और दोनों काम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट करके हम समेशन लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स आई इंटू वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई। ये आपका एक फॉर्मूला है, रिमार्क, रिमार्क। ये फॉर्मूला को डिराइव करने में ये रिमार्क का इस्तेमाल हुआ है, डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। सो दिस इज, और एक और इसी फॉर्मूला को डिराइव करने में एक और चीज का इस्तेमाल हुआ है, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार का डेविएशन का स्क्वायर अगर हम करते हैं, ये समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई, ठीक है। तो ये सेकेंड रिमार्क आपका,
ओके, मैं लिखा दे रहा हूं बट नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके नेक्स्ट वन, वी हैव टू राइट अबाउट व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला प्रॉपर्टीज, जो भी सिंपल रिग्रेशन फंक्शन हमने ड्रॉ किया है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के थ्रू, वो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन कहां से पास होना चाहिए? कंडीशनल मीन से. ये सिंपल मीन से पास होना चाहिए. तो पहला हम लिखेंगे, ये ऐसे भी बात सिंपल है कि सिंपल रिग्रेशन फंक्शन पास मीन के वैल्यू से ही होगा. गेटिंग माई पॉइंट? चाहे आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन हो, सिंपल रिग्रेशन फंक्शन हो, वो मीन के वैल्यू, बेस्ट फिटेड जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू पूरे डेटा का, उसके थ्रू वो लाइन पास हो. ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है द सिंपल रिग्रेशन लाइन, द सिंपल रिग्रेशन लाइन या सिंपल रिग्रेशन फंक्शन इज ऑब्टेंड बाई ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ओएलएस मेथड पासेस थ्रू सिंपल मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, सिंपल मीन के थ्रू पास होना चाहिए. पहला पॉइंट क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द मीन वैल्यू ऑफ रेसिड्यूअल टर्म इज जीरो. द मीन वैल्यू ऑफ रेसिड्यूअल इज जीरो. रेसिड्यूअल टर्म्स हमारा क्या था? ई आई. ई आई बार का वैल्यू क्या होगा? जीरो. वहां पर हम देखे थे दैट इज मीन वैल्यू ऑफ यू आई का भी वैल्यू क्या था? जीरो. ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर यहां पर कह रहा है मीन वैल्यू आपका रेसिड्यूअल टर्म का क्या होगा. डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ रेसिड्यूअल, 1, 0, इन्फिनिटी, नन ऑफ दीज. ठीक है, तो रेसिड्यूअल टर्म्स का मीन वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, कि समेशन ई आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. समेशन ई आई रेसिड्यूअल इंटू एक्स आई इज जीरो. गेटिंग? थर्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर, समेशन वाई आई हैट इंटू ई आई इज इक्वल टू जीरो. समेशन वाई आई हैट इंटू एक्स ई आई इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वाई बार इज इक्वल टू वाई हैट का बार. वाई बार इज इक्वल टू वाई हैट का बार. डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बना करके पूछ सकते हैं. ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट है. ये क्वेश्चन को मैंने देखा है कहीं, तो ये क्वेश्चन को मैंने देखा है पहले भी प्रीवियस ईयर के अंदर, कि वाई बार इज इक्वल टू वाई हैट का बार. ओके, सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर कि अगर हम डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ ऊपर वाला है, सम अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज. ओके, तो अगर हम कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो पहला, अगर हम डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं, उसका वैल्यू क्या आएगा? उसका समेशन जीरो आएगा. डेविएशन अगर हम एक्चुअल मीन से ले रहे हैं, तो हमारा समेशन क्या आएगा? जीरो आएगा. जहां पर एक्स आई का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर, डेविएशन ऑफ एक्स आई टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ एक्स,
वाई आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेविएशन ऑफ वाई आई कैपिटल वाई आई टेकन फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ वाई। तो डेविएशन का अगर हम समेशन लेते हैं तो वो क्या होगा, जीरो होगा। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज जीरो। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज जीरो। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ई आई इंटू वाई आई कैपिटल वाई आई। ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू ई आई इंटू कैपिटल वाई आई, दैट इज योर सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट, अ स्मॉल वाई आई हैट ई आई इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई आई हैट इंटू ई आई का भी वैल्यू जीरो। फोर्थ पॉइंट, यहां पर भी कह रहा है स्मॉल वाई आई, चाहे स्मॉल वाई हो आई हो चाहे कैपिटल वाई आई हैट हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ई आई के साथ मल्टीप्लीकेशन होने के बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्स आई इंटू वाई आई स्मॉल एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई इंटू स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आई इंटू कैपिटल वाई आई। ओके, सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फोर। स्मॉल का मतलब हमेशा डेविएशन होगा, कैपिटल का मतलब हमेशा नॉर्मल जो आपका एक्चुअल वैल्यू दे रखा है। ये चीजें आपको बस देख लेनी है, याद उतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, बस आपको चीजें को देख लेनी है, ये सब चीज। ठीक, तो ये कहा गया है, ये आपका अदर प्रॉपर्टीज में फोर। आप नेक्स्ट वन, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, हाउ वी कैन डिफाइन लीनियर रिग्रेशन, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। तो लीनियर रिग्रेशन मीन्स, अगर शॉर्टकट में LR की बात हम करें, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इज या मीन्स द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन इज लीनियर इन पैरामीटर, लीनियर इन पैरामीटर, बट इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल, मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। ओके, सो रिमेंबर दिस, पैरामीटर के अंदर हमेशा क्या होगा, वो लीनियर होगा। ऑलवेज रिमेंबर, पैरामीटर क्या होना चाहिए भैया, हमेशा लीनियर होना चाहिए। यही क्वेश्चन इस बार आया था, लीनियर रिग्रेशन इज डिफाइंड, डेफिनेशन से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन, ठीक है, पैरामीटर इज नॉन लीनियर, या आपका ये मे और मे नॉट बी लीनियर, वेरिएबल इज लीनियर, पैरामीटर इज लीनियर, वेरिएबल इज नॉन लीनियर, तो इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो पैरामीटर इज लीनियर एंड जो वेरिएबल है वो लीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये आपको याद है, गॉट इट। अब एग्जाम्पल की बात करते, हम एग्जाम्पल की बात करते, कौन सा लीनियर रिग्रेशन है और कौन सा लीनियर रिग्रेशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पैरामीटर का मतलब क्या है, पैरामीटर का मतलब है जो आपका बीटा वन और बीटा टू जो है वो क्या है, आपका पैरामीटर है। तो पैरामीटर के अंदर आपका क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपका है तो सबसे पहला स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का अगर लिखे, बीटा टू एक्स आई इंटू म्यू आई, क्या ये लीनियर रिग्रेशन है या नहीं। पैरामीटर क्या होना चाहिए, लीनियर, मीन्स बीटा वन और बीटा टू क्या होना चाहिए, लीनियर, और लीनियर का मतलब उसका पावर कितना होना चाहिए, वन। तो क्या यहाँ बीटा वन और बीटा टू का पावर वन है, तो हाँ है, दैट्स वाई दिस इज अ लीनियर, ये क्या है, लीनियर रिग्रेशन, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई का स्क्वायर प्लस म्यू वन। ये वेरिएबल एक्स आई क्या था, वेरिएबल है, एक्स आई इज वेरिएबल, वेरिएबल का भी पावर कितना था, वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड,
सेकेंड के अंदर फिर से β1 है, β2 है, क्या ये लीनियर है? बताइए क्या ये लीनियर रिग्रेशन है या नहीं? सभी कोई यस और नो? यस यस सर, क्योंकि सर। है, क्यों है? पैरामीटर लीनियर है और वेरिएबल तो मतलब लीनियर नहीं है, बट लेकिन वो हो बिकॉज सकता है ना, कंडीशन में और मे नॉट बी लीनियर। राइट, बिकॉज हमें पैरामीटर देखना है लीनियर है या नहीं। B1 और B2 के ऊपर power 1 है भैया, लीनियर है, सीधा बात। बाकी वेरिएबल हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थर्ड 1, लॉग ऑफ YI, अगर हम लॉग ले लें, इज इक्वल टू β1 प्लस β2 लॉग ऑफ xi प्लस μy, क्या ये लीनियर है? यस सर। है यस, क्योंकि पावर फिर से क्या है? 1, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज अगेन, पैरामीटर हमारा लीनियर है, दैट्स मीन्स इट इज अ लीनियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वाई आई इज इक्वल टू फाइनल बीटा 1, एग्जांपल दोबारा शो कर दो। हमने बस लॉग ले लिया, लॉग ऑफ वाई आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 लॉग ऑफ एक्स आई प्लस म्यू आई। ओके सर, क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? नो सर, नो सर। एवरीवन यस और नो? यस और नो? नो नो। व्हाई? बिकॉज पैरामीटर के ऊपर पावर कितना है? 3 है। क्या है? 3 है पावर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ लीनियर। ओके, नेक्स्ट वन, क्या ये लीनियर है? यस और नो? क्या ये लीनियर है? यस और नो? क्या हुआ यार, लीनियर ही है वैसे सर, पावर तो 1 ही है। पावर 1 नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में पावर आपका ऐड हो जाएगा, इस तरीके से काम करेगा पैरामीटर के अंदर। गॉट इट? अच्छा जी, पर बीटा तो अलग अलग है ना, β2 लग और गया। बीटा बट थ्री यस यस, दिस इज रिप्रेजेंटेशन, बट पैरामीटर के अंदर अगर दो पैरामीटर आपका मल्टीप्लीकेशन में, देन पावर गेट ऐड एंड इट्स बिहेव लाइक अ प्रोडक्ट रूल, जो आपका था बेस इक्वल और पावर मल्टीप्लीकेशन वो यूज होगा। गॉट इट सौरभ? तो यहाँ पे ये दोनों हमारा मैड होकर के पावर 2 हो जाएगा, तो लीनियर नहीं होगा। सो इस तरीके से हम पता करेंगे कौन सा लीनियर रिग्रेशन है, कौन सा लीनियर रिग्रेशन नहीं। ओके गाइस, ओके यस और नो? यस सर। नेक्स्ट वन, सम अजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो पहला एजम्पशन जो डेफिनेशन है वही है कि द रिग्रेशन मॉडल इज, इट इज लीनियर इन पैरामीटर बट इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज एक्स आई इज, एक्स आई द वैल्यू ऑफ एक्स आई आर नॉन एस्टोकेस्टिक। नॉन एस्टोकेस्टिक का मतलब होता है फिक्स। देख रहे हो, एक्स आई का वैल्यू मीन्स इनकम, इनकम को हम क्या करते रहते? फिक्स, दैट इज फिक्स। ठीक है, एक्स आई वैल्यू को हम क्या करते रहते? फिक्स करते, राइट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन
इज गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई, द मीन वैल्यू ऑफ इरर टर्म इज जीरो। पर बता चुका हूं आपको, गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई, द मीन वैल्यू ऑफ रेसिडुअल टर्म का मीन वैल्यू या इरर टर्म का मीन वैल्यू, दोनों का जीरो होगा। इरर टर्म इज जीरो, इसका मतलब पहले ही आपको बता रखा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इज इक्वल टू जीरो, या इसे ऐसे भी लिख सकते, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। बात बराबर है, ओके। और आपको एक पॉइंट भी यहाँ पे लिखाया था कि अगर आपका कंडीशनल मीन से लाइन पास करेगा तो वहां पे इरर टर्म क्या होगा, जीरो होगा, याद है ना? मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि इफ लाइन इज पासेज थ्रू कंडीशनल मीन देन द वैल्यू ऑफ इरर टर्म इज जीरो, मीन वैल्यू, एंड इफ द मीन वैल्यू इज जीरो देन ऑल्सो दिस लाइन इज पासेज थ्रू कंडीशनल मीन, यस और नो? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट वन, इनका एजम्पशन है लीनियर रिग्रेशन के अंदर होमोसिडास्टी, होमो सी डैश, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब था इक्वल वेरिएंस फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन, और इक्वल वेरिएंस, ऑफ म्यू आई, ओके, कि गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई द वेरिएंस ऑफ यू आई इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन, इज ऑल ऑब्जर्वेशन द वैल्यू ऑफ म्यू आई, वेरियंस ऑफ म्यू आई इज सेम, ओके। तो सेम वेरियंस होगा, ये इनके द्वारा कहा गया है, देख सकते वेरियंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते, तो वेरियंस ऑफ म्यू आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वेरियंस ऑफ म्यू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ म्यू आई, सारा सेम वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी का मीनिंग सेम है, तो इक्वल वेरियंस होता है लीनियर रिग्रेशन के केस में, सारा का मीनिंग सेम, ओके। सो दिस वन, नेक्स्ट वन, देर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन इरर टर्म, देर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन इरर टर्म, इरर टर्म के बीच में कोई भी ऑटो रिलेशन नहीं, लाइक आपका कोई फिक्स वैल्यू एक्स आई है और कोई एक्स जे है, एक्स आई के लिए जो इरर टर्म है वो म्यू आई है, और एक्स जे के लिए म्यू जो वैल्यू है वो यू जे है, म्यू जे है, तो ये दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, मीन्स इसके बीच में जो को रिलेशन है वो कितना है, जीरो है, को रिलेशन बिटवीन दिस टू यू म्यू आई एंड म्यू जे इज व्हाट, कोरिलेशन बिटवीन म्यू आई एंड म्यू जे इज जीरो, ये इनका कहना है, देर देर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन इरर टर्म, दो के इरर टर्म के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं, साथ में हम कहेंगे को वेरियंस, क्योंकि आपका कोरिलेशन नहीं है तो कोरिलेशन कॉफिशियंट क्या होगा, जीरो होगा, को वेरियंस भी क्या होगा एक्स आई और एक्स जे के बीच में, जीरो होगा, गेटिंग? सो ये इनके द्वारा बात कही, दो इरर टर्म के बीच में कोई भी रिलेशन ऑटो कोरिलेशन नहीं, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कहा गया है जीरो कोवेरियंस, जीरो कोवेरियंस बिटवीन, ये एक्स आई यहां पे नहीं होगा, या म्यू आई म्यू जे होगा, म्यू आई म्यू जे, जीरो कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड म्यू आई, एक्स आई और म्यू आई के बीच में भी क्या होगा, कोवेरियंस आपका जीरो, तो हम लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स आई एंड म्यू आई इज जीरो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, कि जीरो कोवेरियंस, जीरो कोवेरियंस तो आपस में इरर टर्म के बीच में भी क्या होगा, जीरो कोवेरियंस, और आपका एक्स आई और म्यू आई के बीच में क्या होगा, जीरो कोवेरियंस, ओके। सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन
मस्ट बी ग्रेटर देन, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मीन जितना आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है उससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, जरूरी है बिल्कुल ग्रेटर होगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स से ज्यादा ही होगा। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज द वेरियंस ऑफ द वेरियंस ऑफ एक्स मस्ट बी अ फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। वेरियंस हमेशा क्या होगा, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। ओके सो दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन द रिग्रेशन मॉडल, दिस आर सम एक्स्ट्रा। द रिग्रेशन मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड, करेक्टली स्पेसिफाइड मीन्स नो स्पेसिलाइजेशन बायस्ड एरर, और इसका मतलब ये कि करेक्टली स्पेसिफाइज होना चाहिए हमारा रिग्रेशन मॉडल जो, ठीक है। एंड लास्ट आपका जो 10th है वो कहता है देयर आर मीन्स नो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप एमोंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एमोंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में कोई भी परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो। तो दिस सा 10 एजम्पशन, एक तरीके से कह सकते हैं एजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। पहला लीनियर पैरामीटर के अंदर होगा, वेरिएबल के अंदर ये लीनियर नहीं होगा। दूसरा एक्स आई का वैल्यू जो है वो नॉन स्टोकेस्टिक है मीन्स फिक्स है। तीसरा एरर टर्म का मीन वैल्यू जीरो है। चौथा होमोसेडेस्टेड मीन्स इक्वल वेरियंस है। पांचवा देर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म। छठा को वेरियंस आपका एक्स आई और म्यू आई का क्या होगा, जीरो होगा। ओके फिर सातवां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, नंबर ऑफ वेरिएबल, ए नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। फिर नेक्स्ट आठवां वेरियंस जो होगा वो फाइनाइट पॉजिटिव नंबर होता है एक्स आई का। नौवां रिग्रेशन मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइज होना चाहिए। दसवां परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सर एक बार ही सिक्स्थ वाली अजम्पशन दिखा दीजिए। और ये कोवेरियंस ऑफ म्यू आई और म्यू जे है, What? सिक्स्थ वाला जो है वो कोवेरियंस ऑफ म्यू आई एंड म्यू जे है। एक्स आई एंड म्यू आई है, ये म्यू आई और म्यू जे इसी का है। नो ऑटो कोरिलेशन एरर टर्म के बीच में कुछ नहीं मीन्स कोरिलेशन जीरो है, कोवेरियंस जीरो है। ओके यस सर। ओके अब देखिए गॉस मार्कोव थ्योरम का बस हमें लास्ट में देख लेना है कि व्हाट इज गॉस मार्कोव थ्योरम, उनके द्वारा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, ठीक है। गॉस मार्कोव थ्योरम, क्योंकि वन लाइनर है दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, गॉस मार्कोव थ्योरम, ठीक है। तो गॉस मार्कोव थ्योरम ने कहा कि गिवन द एजम्पशन ऑफ आपका क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है,
ओयले सिस्टमेटर जो जिसका मिनिमम वेरिएंस होगा वो सारे को ये सारा प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करना चाहिए. सो ओयल ओयल एस मीन्स ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज नंबर वन, बीटा वन मीन्स बी वन एंड बी टू टू अच्छे से मैं लिखाता हूँ. पहला है कि बी टू इज लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू. बी टू क्या है? लीनियर एस्टिमेटर किसका है? बीटा टू का. पहला प्रॉपर्टी लीनियर एस्टिमेटर का मतलब ये एक तरीके से सिमेट्रिक है, लीनियर सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, लीनियर सिमेट्रिक ऑफ बीटा टू. ठीक है, पहला प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी कहता है इसी के तरीके से, बी वन इज लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन. तो बी टू किसका लीनियर एस्टिमेटर है? बीटा टू का. और बी वन किसका लीनियर एस्टिमेटर है? बीटा वन का. गॉट इट? सो ये प्रॉपर्टी नंबर वन जिसके अंदर दो आपका बात की गई है लीनियर एस्टिमेटर का. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर बात करेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर का. अनबायस्ड एस्टिमेट, इसमें बी टू इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू. बी टू किसका होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर? बीटा टू का. एंड बी वन इज उसी तरीके से अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ. और ये क्यों होगा, इसको प्रूफ करिए, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं. एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, राइट? सो पहला प्रॉपर्टीज बात करता है लीनियर एस्टिमेटर के बारे में, लीनियर एस्टिमेटर. बी वन जो है वो लीनियर एस्टिमेटर बीटा वन का है, बी टू तो जो है वो लीनियर एस्टिमेटर बीटा टू. दूसरा प्रॉपर्टीज बात करता है अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेट. उसी तरीके से बी वन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन एंड बी टू इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू. ओके, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर टू. ओके गाइस, ठीक है? अरे ठीक है, यस सर, हाँ है ना? यस सर, यस. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने ये भी क्वेश्चन कहीं तो देखा है, बी टू हैज मिनिमम वेरिएंस. किसका मिनिमम वेरिएंस होता है? वहां पे बी वन होगा, बी टू होगा, बीटा वन होगा, बीटा टू होगा. तो बी टू का क्या होता है? मिनिमम वेरिएंस होता है. क्यों होता है? प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर फोर, कि बी टू का क्या होगा? मिनिमम वेरिएंस होगा. ओके, अब देखिए, अगर बी वन और बी टू, क्योंकि देख रहे हैं बी वन एंड बी टू बोथ आर अनबायस्ड भी है और आपका लीनियर एस्टिमेटर भी है. अगर बी वन और बी टू दोनों हो, अनबायस्ड भी हो और लीनियर हो, तो उसे कहा जाता है इफिशियंट एस्टिमेटर. इफिशियंट एस्टिमेट, तो बी वन एंड बी टू आर इफिशियंट एस्टिमेटर व्हेन दे आर बोथ अनबायस्ड एस्टिमेटर. एंड सेकेंड वन इज मिनिमम वेरिएंस, मिनिमम. ओके, सो ये आपका लीनियर एस्टिमेटर नहीं, यहाँ पे मिनिमम वेरिएंस हो और अनबायस्ड एस्टिमेटर, तब हम उसे कहते हैं इफिशियंट एस्टिमेटर.
तो अब हम कहेंगे बी वन बी टू इज एन इफिशियंट एस्टिमेटर। दिस ये पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट वेरिएंस का, अगर हम सिंपल रिग्रेशन फंक्शन वेरिएंस का अगर हम कैप लेते हैं वो एस्टिमेटर होगा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर मींस वेरिएंस। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का कैप इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो ये गॉस मार्कोव थ्योरम के अंदर ये सारी चीजें के बारे में बात की गई है। ओके ओके एवरीवन, यस सर। दिस आर सम प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू लर्न फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके देखिए, अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बता देते हैं उसके लिए फॉर्मूला, देन वी टॉक अबाउट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके अगर हमारा देखिए वेरिएंस ऑफ म्यू आई, इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर, और ये, अगर ये अननोन है तो इसे हमें एस्टिमेट करना होगा, ये क्या बन जाएगा एस्टिमेटर, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे फिर करेंगे, सिग्मा स्क्वायर का कैप। राइट, तो फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर का कैप इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई रेसिडुअल टर्म का, ठीक है, समेशन एन माइनस के। ये एन माइनस के आपका क्या है, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, जहां पर के आपको क्या डिनोट कर रहा है, के डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट, पैरामीटर इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रीडम को पता करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, एन माइनस के। ओके, सो दिस इज, अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा पैरामीटर दो है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन हमारा इस प्रकार से कुछ है, वाई आई एक्स आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू, तो बात आएगा व्हाट इज नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर इसके अंदर कितना है, तो दो है, बीटा वन है और क्या है, बीटा टू है, तो दो नंबर ऑफ पैरामीटर। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारा फॉर्मूला आएगा एन माइनस के, एन का वैल्यू गिवेन होगा तो ठीक है, के का वैल्यू तो यहाँ पे टू है, एन माइनस टू। ओके, उसी तरीके से अगर हमारा वेरिएबल, अगर हमारा ए प्लस बी है इज इक्वल टू टेन, ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन, तो यहां पे पैरामीटर जो होगा वो कितना होगा, एक हो, कितना पैरामीटर आपका वन हो, क्योंकि एक के वैल्यू से दूसरे के वैल्यू को पता करना। उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टेन दे रखा, तो यहां से तीन वैल्यू दे रखा है, तो आपका दो आपका पैरामीटर, पैरामीटर आपका कितना होगा, दो। ठीक है, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर वन होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे टू। ठीक, इस तरीके से हम पता करते हैं, एंड दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला, एन माइनस के थ्रू हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को पता करते। ओके, सो इस बार क्वेश्चन आया था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो लाइक टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते, टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, एन माइनस टू, कितना होता है, एन माइनस टू इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, इस बार क्वेश्चन आया था, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100 इन टी डिस्ट्रीब्यूशन देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ऐसा क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर एन का वैल्यू 100 दे रखा है तो हमें क्या करना था, बस 100 माइनस 2 दैट इज 98 इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली। गॉट इट गाइस? ऐसे आपका एन माइनस के आपका फॉर्मूला होता है, बट फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम केस में एन माइनस टू इज द फॉर्मूला। गॉट इट एवरीवन? टिक यस बा, सर। टिक बा या ना बा? ओके, एक और फॉर्मूला लिख लेना है आपको। वेरिएंस अगर हमें बी टू का निकालना है उसके लिए आपको फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाई समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। अगर हमें बी टू एस्टिमेटर का अगर वेरिएंस हमें पता करना है, तब अगर हमें बी वन एस्टिमेटर का पता करना है वेरिएंस ऑफ बी वन, उसके लिए समेशन कैपिटल एक्स आई बाई एन समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्म। हमें नहीं लगता इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है? इसके लिए आपको क्या सिग्मा स्क्वायर गिवेन होना चाहिए और ये समेशन एक्स आई का वैल्यू गिवेन होना चाहिए, लेकिन आपको याद कर लेना है क्योंकि ये दो ही वैल्यू गिवेन हो और आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ बी टू डायरेक्ट, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि ये वन लाइनर वाला फॉर्मूला है। दो वैल्यू देंगे आपसे, डायरेक्ट पूछेंगे वेरियंस बताइए बी टू का क्या होगा। दैट्स वाई आई थिंक दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपका तीन चार वेरिएबल है, आपको बी वन का वैल्यू पूछ लेंगे क्या होगा, ठीक है? सो दिस इज फॉर्मूला फॉर वेरियंस ऑफ बी वन एंड वेरियंस ऑफ बी टू। ओके गाइस, नेक्स्ट आपको एक लास्ट में और चीज बतानी है, वो है हमारा एक चीज बचता है वो है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर किसे कहते हैं। टाइप 2 एरर ओके, क्योंकि बार बार यहीं से एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहां से जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? सब बार उसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए, आपने हाइपोथेसिस कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले या फिर हमें कोई रिसर्च करते हैं उससे पहले हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस, राइट? तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू भी हो सकता है और आपका हाइपोथेसिस वो फॉल्स भी हो सकता है, राइट? और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे रिजल्ट सही भी आ सकता है और उससे रिजल्ट गलत भी आ सकता है, राइट? तो ये आपका है नल हाइपोथेसिस, आपका ट्रू है तब आपका रिजल्ट ट्रू है, नल है या यहाँ पे रिजेक्टेड, यहाँ पे दो कि आपने नल हाइपोथेसिस आपका जो आपने रिसर्च किया है उसे आप रिजेक्ट हो सकता है या वो एक्सेप्ट हो सकता है या नॉट रिजेक्ट हो सकता। रीडिंग, सो नल हाइपोथेसिस चाहे तो हमारा ट्रू हो सकता है चाहे तो हमारा फॉल्स हो सकता है, राइट? उसी तरीके से आपका या जो रिसर्च किया है वो चाहे तो रिजेक्ट हो सकता है चाहे तो वो एक्सेप्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा चार ब्लॉक बन गया और चार ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीजें होंगी। ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है, टाइप 1 एरर किसे कहते हैं, टाइप 2 एरर किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा क्या था, आपका नल हाइपोथेसिस जो आपने माना था वो सही था लेकिन रिसर्च रिजेक्ट हो, जो आपने जम्पशन माना था हाइपोथेसिस माना था वो सही था बट आपने रिजेक्ट कर दी, ये क्या था, एरर था। ये क्या है? गलती है कि सही था लेकिन उसको आपने मना कर दिया, गेटिंग? तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। कब? वेन नल हाइपोथेसिस ट्रू, जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर, गेटिंग? दैट इज नोन एज टाइप 1 एरर, कि नल हाइपोथेसिस हमने हमारा सही था फिर उसको हमने गलती से रिजेक्ट कर। दूसरा हमारा फॉल्स था, ये अगर मैं ले हूं ये कंपार्टमेंट तो यहां पर आपका वैल्यू क्या था, फॉल्स था, फॉल्स के आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करते हैं दैट इज योर करेक्ट डिसीजन, सही है कि आपका हाइपोथेसिस गलत था इसलिए आपने रिजेक्ट कर दिया, दैट इज योर करेक्ट डिसीजन, नॉट एरर, कोई एरर नहीं, आपने सही उसको रिजेक्ट कर दिया जब वो गलत था तो रिजेक्ट।
नेक्स्ट वन, नॉट रिजेक्ट, जब वो ट्रू था, मीन्स जब हाइपोथेसिस आपका ट्रू था, ऊपर से अगर आप देखते हैं तो हाइपोथेसिस हमारा क्या है, ट्रू है, तब हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया, आपका एजम्पशन सही था, जो आपने एजम्पशन हाइपोथेसिस लिया था वो सही था, और आपने रिजेक्ट उसे नहीं किया, मीन्स अच्छा बात है, वो करेक्ट डिसीजन है कि आपने जो माना था वो सही है, इसलिए आपने उसे रिजेक्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट डिसीजन। नेक्स्ट वन, आपका हाइपोथेसिस गलत था, क्या था, गलत, फिर भी उसे आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपका हाइपोथेसिस गलत था बट फिर भी आप उसे रिजेक्ट नहीं किए, दैट इज नोन एज टाइप टू एरर, क्या कहते हैं इसे, टाइप टू एरर। ओके, सो अगर बात करते हैं टाइप वन एरर किसे कहते हैं, व्हाट इज टाइप वन एरर, टाइप वन एरर का मतलब है रिजेक्ट व्हेन हाइपोथेसिस इज करेक्ट, जब सही था तो हमने उसे मना कर दिया। नेक्स्ट वन टाइप टू एरर किसे कहते हैं, टाइप टू एरर का मतलब है हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, या नॉट रिजेक्ट, उसे हमने रिजेक्ट नहीं किया जब वो गलत था, तो वन हाइपोथेसिस फॉल्स और इनकरेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस और नो। यस सर, हाँ जी, तो ये आपका पूरा लेक्चर हुआ बेसिक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स के, ठीक है, तो आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन क्या होता है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, म्यू आई ई आई किसे कहते हैं, कौन सा एस्टिमेटर किसका है, बी वन इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, बी टू इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू, ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो ये सारा चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, उसी तरीके से आपका मीन वैल्यू आपका जब एरर टर्म का जीरो होगा तो वो इसके थ्रू पास होगा, तब वो हमारा कंडीशनल मीन के थ्रू पास होगा, अगर कंडीशनल मीन के थ्रू कोई लाइन पास हो रहा है तो मीन वैल्यू एरर टर्म का जरूर जीरो होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल रिग्रेशन लाइन किसे कहते हैं, बेस्ट फिटेड लाइन को क्या कहते हैं, सिंपल रिग्रेशन लाइन कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन एंड व्हाट इज स्टोकेस्टिक रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट वन। ओके, ये दोनों के बीच का आपका डिफरेंस। नेक्स्ट वन, सिग्मा सिग्मा ई आई का स्क्वायर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, दैट इज गिवन बाई ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, यहाँ पर दो नॉर्मल कर्व आपको दिए हैं, याद है इक्वेशन तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है इक्वेशन फिर भी ठीक था,